नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नीलम सूर्या और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आज आपको लिए चलते हैं नाहन शहर की ओर। नाहन शहर जो कि हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा क्षेत्र है और इसकी आबादी भी बहुत ही कम है। ये क्षेत्र जो कि ऐतिहासिक जगहों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इस शहर को नगीना भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि नाहन शहर को नगीना क्यों कहा जाता है और क्या ऐसी धार्मिक जगह है जहां पर आप आसानी से घूम सकते हैं। शिवालिक पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 932 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा खूबसूरत नाहन अनुकूल जलवायु, मैदानी पहाड़ी मिश्रित जल संस्कृति और हेरिटेज भवनों के लिए संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक नगर नाहन का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। नगर की स्थापना सन 1621 में सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने की थी। यह कहा जाता है कि सिरमौरी ताल स्थित सिरमौर रियासती नटनी के श्राप से कर्क हो गई थी, जिसके कारण सिरमौर की राजधानी लंबे समय तक यहाँ से वहाँ स्थानांतरित होती रही और कुछ समय के लिए कालसी में भी रही। आखिरकार 1621 में सिरमौर रियासत की राजधानी नाहन लाई गई और देश के आज़ाद होने तक यहीं रही। जिस समय सिरमौर के राजा करम प्रकाश अपने लिए नई राजधानी की खोज में निकले, उनकी मुलाकात नाहन के घने बंगलों के बीच विद्रोही ने शेरों के साथ करवाई। संत पुरुष बाबा बनवारी दास जी से हुई। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः नहरों के कारण ही कालांतर में नाहन शहर का नामांकन नाहन हुआ। बाबा बनवारी दास मिशन 1671 में नाहन में पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की है। यह मंदिर नगरजनों की धरोहर है। नाहन शहर की खूबसूरती रियासत काल से यहाँ उपस्थित 5 तालाबों से समाहित है, इसलिए नाहन को सिटी ऑफ पॉन्ड्स भी कहा जाता है, यानी तालाबों का शहर भी कहा जाता है। नगर का रानीताल तालाब, पक्का तालाब, कालिस्थान तालाब और रामकुंडी तालाब शहर की धरोहर है, जबकि शहर के एक अन्य कच्चे तालाब को दशकों पहले बस स्टैंड में तब्दील कर दिया गया था। नगर में भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। पक्का तालाब के शिव मंदिर की स्थापना सन 1845 में राजकुमार सूरजन सिंह ने करवाई थी। इसी तरह रानीताल का शिव मंदिर भी सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। माँ काली यहाँ साक्षात दुर्गा के रूप में वास करती हैं। राजा विजय प्रकाश की महारानी के आग्रह पर देवी पिंडी को कुमायूं से यहाँ लाया गया था और भव्य कालिस्थान का निर्माण सन 1730 में करवाया गया था। कालिस्थान मंदिर क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नाहन जनपद को गुरु की नगरी भी कहा जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह 30 अप्रैल 1685 को नाहन पधारे थे और 8 महीनों तक यहीं रहे थे। शहर के हेरिटेज धार्मिक स्थलों में मियां मंदिर यानी भगवान परशुराम का मंदिर भी शामिल है। मियां मंदिर की स्थापना सन 1740 में राजा बिलासपुर के दो भाइयों मियां बलदेव सिंह और मियां कैलाश देव ने करवाई थी। नौनी का बाग स्थित नरसिंह मंदिर की स्थापना राजा विजय प्रकाश द्वारा सन 1730 ईस्वी में। माँ काली का दूसरा ऐतिहासिक मंदिर शिवपुरी में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राजा विजय प्रकाश की रानी द्वारा सन 1730 ईस्वी में की गई थी। शहर के झल्ला जी गुरुद्वारा की स्थापना महाराजा शमशेर प्रकाश ने सन 1857 से 1896 के मध्य में की थी। शहर के ऊपर की टोली में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1708 में राजा भानु प्रकाश ने करवाया था। बाद में राजा फतेह सिंह प्रकाश ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। नगर के कच्चा टैंक स्थित ऐतिहासिक मस्जिद भी शहर की पुरानी धरोहरों में स्थित है। गुगा पीर और लगदाता पीर माड़ी की मजार जहां हिंदू और मुस्लिम सभी शीश नवाते हैं। शिमला रोड पर स्थित हाथी की कवर नाहन शहर की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। नाहन शहर में कई हेरिटेज स्थल विद्यमान हैं।
जिसमें लिटिल मेमोरियल यानी नाहन का दिल्ली गेट प्रमुख है। दिल्ली गेट ऐतिहासिक नाहन शहर की शान है। इसका निर्माण सन 1877 में भारत के वाइल्स लॉर्ड चांसलर के आगमन पर किया गया था। नाहन में हेरिटेज उद्योग के रूप में नाहन फाउंड्री है। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने सन 1873 में नाहन फाउंड्री के नाम से एक आयरन फैक्ट्री की स्थापना की थी। यह उद्योग उत्तर भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक था। नाहन फाउंड्री से स्थानीय लोगों के भावनात्मक जुड़ाव होने से नाहन फाउंड्री स्थल में से एक शिल्प ग्राम बनाए जाने की योजना से आगे बढ़ाया जा रहा है। महिमा लाइब्रेरी शहर की पुरानी धरोहरों में शामिल है। नाहन में 3 शेरगाहें प्रसिद्ध हैं। इन शेरगाहों में अंग्रेज और राज परिवार के लोग सैर के लिए निकलते थे। एल्गो गोरखावार मेमोरियल शिलालेख गोरखावार सैनिक के अदम्य साहस की कहानी बयां करता है। इस युद्ध स्मारक का बयान सिरमौर के एग्लो गोरखावार ने 1814 में इसकी स्थापना की थी। लाल कोठी का निर्माण 1898 में सिरमौर रियासत के शासक शमशेर प्रकाश के शासनकाल में हुआ था। इस भवन का निर्माण नाहन फाउंड्री के महाप्रबंधक के आवास के लिए किया गया था। राजकीय शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन के मुख्य धरोहरों में शामिल है। खूबसूरत चौगान को नाहन शहर की आत्मा कहा जाता है। यह मैदान रियासत काल में खेलकूद सेना परेड के अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। नाहन की समीप सुकेती पार्क म्यूजियम में करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्य को सजो कर रखा गया है। इस म्यूजियम की विशेषता यह है कि सुकेती के शिवालिक पहाड़ियों में खुदाई के दौरान पाई गई जीवाश्यों को यहीं पर संजो कर रखा गया है। नगर पालिका नाहन की विशेष धरोहर है। सन 1867 में नगर पालिका की स्थापना हुई थी और आज परिषद अपनी स्थापना की ना जाने कितनी वर्षगांठ मना चुका है। माना जाता है कि नगर पालिका कोलकाता के बाद दूसरी नगर पालिका थी। नाहन शहर की लाजवाब खूबसूरती के कारण ही इतिहासकारों और ऐतिहासिककारों ने नाहन शहर को नगीना का खिताब दिया है। इसलिए तो कहा जाता है नाहन शहर नगीना, आए थे एक दिन रह गए महीना। तो ये थी कुछ रोमांचक और ऐतिहासिक बातें नाहन शहर के बारे में। अगली बार हम आपको लिए चलेंगे सिरमौर के या हिमाचल प्रदेश के एक ऐसी ही क्षेत्र की ओर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एनवी न्यूज़। नमस्कार।